नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति कथूरी और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मानव सेवा संघ से, जहाँ पर आज पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और साथ ही साथ कांग्रेसी नेता त्रिलोचन सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या उद्देश्य रहने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आइए उनसे ही जानते हैं और किस तरह के मुद्दों पर बात की जाएगी उन्हीं से त्रिलोचन सिंह जी से जानते हैं, कांग्रेसी जो नेता हैं। तो सर, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, जो मेन मुद्दा था वो था हमारा 10 तारीख का कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष, लेकिन उसके साथ ही दो मुद्दे और जुड़ गए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जो करनाल से विधायक है, बड़े चाव से हमने उनको विधायक बनाया था और वो सीएम बने, हमारे करनाल के भाग्य थे भी वो सीएम भी बने, लेकिन उनके मुंह से ऐसी बात निकली जिस पास से अचंभा हुआ कि 500-700 लाठ वाले ले लो और किसानों से टिट फॉर टैट जो उन्होंने वर्डिंग यूज़ की उस बेस पर काम करो, एक अशोभनीय बात थी जो उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कैसे गई कही उसके लिए करनाल के लोग अचंभित हैं। दूसरा, इसी के साथ ही यूपी के अंदर जो घटना घटी लखीमपुर खुरी में, खीरी में, इससे साफ जाहिर होता है भी जब वो किसानों से अपने प्रदर्शन बंद नहीं करा सके, अपनी सड़कें अपने धरने खाली नहीं करा सके, तो उन्होंने जीप के माध्यम से, जीप से कुचल कर खाली कराने का प्रयास किया। ये आरएसएस का छुपा एजेंडा था जो पब्लिक के सामने आ गया, भैया हमने लोगों से काम कैसे लेना है। उन्होंने पहले दिन मुख्यमंत्री मोदी करनाल चंडीगढ़ में बोले हरियाणा के, दूसरे ने आदित्य योगी नाल ने वहाँ कर दिया। और ये 3 अक्टूबर का दिन है, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा 75 साल के बाद ऐसा संयोग हुआ है। उधर दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद और प्रियंका जी जो वहाँ मिलने के लिए जा रहे थे दुख की घड़ी में, उनको जाने नहीं दिया गया, अभी वो हाउस रेस्ट है। वहाँ और भी जो अपोजिशन लोग थे उनको भी पकड़ लिया गया है, जो पंजाब से गए थे उनको भी नहीं जाने दिया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार बुखला चुकी है, लेकिन वो अब डंडे के जोर पर, लठ के जोर पर कुचल कर ये किसानों का। तो सर, इस समय जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश में किसानों की, आपको लगता है कुछ सुधरने की गुंजाइश है? देखिए, जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश आज़ाद कराने की लड़ाई शुरू की थी, उस समय भी लोगों ने मजाक किया था, सिर्फ रहे हैं, थोड़े लोग हैं, इनसे देश कैसे आज़ाद हो पाएगा। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद देश आज़ाद हुआ, आज हम आज़ाद देश में। उसी देश के अंदर अगर किसान अब आज़ादी की मांग कर रहे हैं भी उनको आज़ाद कर दिया जाए, उनके ऊपर कानून ना लगाए जाएँ, उसको लेकर लड़ाई जब चल रही है, हो सकता है हमारे को आज ये ना लग रहा हो, लेकिन कोई समय आएगा कि 3 काले कानून जो है वो वापस हो जाएंगे। तो आपका जो प्रोग्राम है विपक्ष आपके समक्ष, इस प्रोग्राम में क्या रहने वाला है, क्या मुद्दा और कितने, कौन कौन लोग, कौन कौन से विधायक पहुंचने वाले हैं? देखिए, पिछले 7 साल से जब सत्ता हरियाणा के लोगों ने भाजपा को सौंप दी, और 7 साल के बाद हम लोगों के बीच में जाके पूछेंगे भी 7 साल पहले आपने कांग्रेस में बेदखल कर दिया गया था, क्या आज आप खुश हो, क्या आज आप महसूस कर रहे हो भी जो जिस वजह से आपने हमारे को बेदखल किया था, क्या आप खुशहाल हो, क्या व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार, छोटा व्यापारी और किसान, मजदूर, क्या ये खुशहाल हैं? अगर नहीं हैं तो क्या कारण है, अगर हमने अब करना है तो क्या करना है हमारे को बताएं, ताकि यहाँ हरियाणा के अंदर भाजपा के साथ कांग्रेस ही टक्कर ले सकती है। और हम उनसे पूछेंगे, जो वो लोग कहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे, ताकि कल को ये ना कहें भी हम ये चाहते थे, हमने ये किया। हम लोगों की राय लेने के लिए चलेंगे और करीब करीब 20 MLA या 25 MLA उस दिन भाग लेंगे इसमें। तो क्या इस कार्यक्रम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो ताकत है पूरे हरियाणा में? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और वो मंत्री रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे, उनका बेटा सांसद है, उन्होंने देवीलाल को हराया, इससे ज़्यादा ताकत और क्या है? ये तो ताकत नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठेंगे, पब्लिक के बीच में बैठेंगे, उनसे रूबरू होंगे भी आप क्या चाहते हो, हम क्या कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, हम स्थितियों में सुधार करके दोबारा कांग्रेस सत्ता में आए, ये प्रयास किया जाएगा। और ताकि लोगों की कसौटी पर हम खड़े उतर सकें, आज उनके सुझाव मांगे जाएंगे।
तो त्रिलोचन सिंह जी ने जिस तरह से बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही रहने वाला है, जो यूपी के लखीमपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर, और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो बयान रहा है उसी के चलते यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कुलदीप शर्मा जी पहुँचे हैं और कांग्रेसी नेता त्रिलोचन सिंह जी भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ कार्यक्रम होने वाला है 10 अक्टूबर को विपक्ष आपके समक्ष, उसमें भी काफ़ी कांग्रेसी MLAs पहुँचने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम रहने वाले, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से क्या कार्यक्रम है और किस तरह से रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शास्त्री को विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम जो, जिसके बारे में कुलदीप शर्मा जी हमारे जो सीनियर नेता भी हैं, पूर्व स्पीकर भी हैं और कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, वो बताएंगे। लेकिन उसके बीच में दो घटनाएं जो घटी, मुख्यमंत्री जी का बयान और यूपी में जो घटना हुई है उसके बारे में शुरुआत करके दो दो मिनट हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो विपक्ष आपके समक्ष, क्योंकि उसमें ये सारे मुद्दे जो पिछले दो दिन बीते हैं, या इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर, या हरियाणा की अर्थव्यवस्था को लेकर, या व्यापारी कर्मचारी को लेकर, सारे मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे। लेकिन आज जो है वो उस पर मैं भाई कुलदीप शर्मा जी जो आज मेन स्पीकर हैं जो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। सम्मानित साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। किसान आंदोलन की वजह से देश किस दिशा में बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय। 10 महीने 11 महीने होने वाले हैं कि किसान धरने पर बैठे हैं। उनसे पिछली जनवरी से कोई बात नहीं हो रही, बयान तो दे रहे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर कि बातचीत करेंगे, लेकिन कोई न्योता बातचीत का दिया नहीं। तो सरकार ने देखा किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा किसानों को खत्म कर आंदोलन खुद खत्म हो जाए। इसी कड़ी में देश के गृह राज्य मंत्री, मैं माननीय तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अब वो माननीय नहीं रहे, वो अपराधी उनके पुत्र बन गए हैं, उनके पुत्र ने ताकत के नशे में और एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए, किसानों पर लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से वाहन चढ़ा दिए और 8 किसानों की मौत हुई है, ये एक अत्यंत निंदनीय घटना है। ठीक है, आंदोलन के दबाव में गृह मंत्री के पुत्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ 302 का, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी इस चीज की इंतजार हो। हम कांग्रेस जनों ने कल समस्त देश में इन लोगों के पुतले फूके हैं, बीजेपी की सरकार के, मोदी जी की सरकार के, योगी जी की सरकार के, खट्टर साहब के, और श्रीमती प्रियंका गांधी और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी व्यक्तिगत रूप से उन किसानों के लिए सहानुभूति भूषण वश वहां जब जाने के प्रयत्न कर रहे थे, तो सुबह 4:30-5 बजे पुलिस ने उनको घेर लिया, धक्का मुक्की की, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको समाप्त किया, जबरदस्ती इनको गिरफ्तार कर लिया। कोई अपराध नहीं हुआ उसके बावजूद भी, कोई नोटिस नहीं उसके, गिरफ्तार करके और रेस्ट हाउस में बंद कर दिया। PAP के जो यूपी की प्रोविंशियल आर्मी पुलिस है, और मेरा ख्याल अभी तक बंद है, क्योंकि उनकी भी जिद है कि हम जरूर जाएंगे, जिनके बच्चे मरे हैं, जिनका घर वाले मरे हैं। उधर अखिलेश जी को बंद कर दिया, सभी जो विपक्षी लोग हैं
पंजाब के गृह मंत्री जाना चाहते थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जाना चाहते, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाना चाहते थे, और बड़े नेता जाना चाहते थे विभिन्न पार्टियों को। लेकिन अब देश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवहार किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि हम जो कह रहे थे बहुत दिनों से कि लोकतंत्र खतरे में है, देश में अब लोकतंत्र नहीं है। कोई बोलता है जेल, कोई बोलता है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, कोई बोलता है उसको जान से मार दो। और हमारे माननीय बुद्धिमान मुख्यमंत्री करनाल की शान, मुख्यमंत्री जी ने जितना भयानक बयान दिया है वो आप सबकी चर्चा में है। मुख्यमंत्री चाहते हैं गृह युद्ध सी परिस्थिति बनाना, लोगों को ये कहकर उकसाना अपने पार्टी के लोगों को कि हजारों वॉलंटियर तैयार हो जाओ, लठ उठा लो और जैसे को तैसा व्यवहार करो, षट साठम समाचरेत। ये जो भाषा मुख्यमंत्री की है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। दो दिन से मुख्यमंत्री चुप हैं, उन्ना कहते भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे ये लगता है कि संभावना ये बन गई है अब कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, इसके अलावा बीजेपी का कोई बचाव नहीं है। इसके जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को ये कहे कि लठ मारो, अरे आशीष सेना नाम के एसडीएम को करनाल से इसलिए बदल दिया गया कि उसने ये कहा कि सिर फोड़ दो, तो उसको छुट्टी पर भेज दिया गया, तबादला कर। तो जब मुख्यमंत्री ये कहे लठ उठा लो और जैसे को तैसा व्यवहार करो, कोई नहीं, 4-6 महीने की जेल हो जाएगी, इतिहास में नाम लिखा जाएगा, हीरो बन जाओगे, ऐसे मुख्यमंत्री को भी न केवल तबादला कर देना चाहिए, हमारी मांग ये है ऐसे मुख्यमंत्री को छुट्टी पर भेज देना चाहिए, दोबारा संघ में जाए, नागपुर में बैठे और प्रशिक्षण लें या प्रचारक के रूप में घूमें। लेकिन इस हरियाणा के मुख्यमंत्री के कद उनसे उनके इस्तीफे की मांग करता हूं, अगर उनमें जरा सा भी समझ है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि है कि नहीं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति, अब देश में जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सूफड़ा साफ होने के संकेतों की ओर जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे शास्त्रों का पुराना वाक्य है, जब आदमी का नाश हुआ करता है, जब उसका विनाश हुआ करता है, तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बुद्धि देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गृह राज्य मंत्री की बुद्धि देख लीजिए, उसके पुत्रों की, परिवारों के, लोगों के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, यहां मारने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री दो दिन से शर्मिंदा है, इसलिए ना तो प्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी कार्यक्रम। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद के काबिल नहीं था, लेकिन उनको बैठा दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, उसको तुरंत प्रभाव से एसडीएम की तरह बदलकर और छुट्टी पर भेज दे। तीसरी बात, 3 मंडियों का दौरा दीपेंद्र सांसद ने किया, रांडा, पानीपत, करनाल, फिर अगले दिन हुड्डा जी ने रख दिया, दबाव में आ गई सरकार, मुख्यमंत्री अपने दल बदल सहित दिल्ली पहुंचे, कृषि मंत्री से कहा कि हमारी नाक में दम हो गया है और हमारी गर्दन बचाइए, तब जाकर इस खरीद करने का फैसला हुआ। ये कांग्रेस के दबाव में हुआ, और कोई दल नहीं गया था मंडी, और किसी ने घोषणा नहीं की।
कांग्रेस ने अपने मुख्य विपक्षी दल होने का नाता, मुख्य विपक्षी दल क्या, कांग्रेस ही विपक्षी दल है, कौतुक पार्टी है ही नहीं, बाकी सभी समर्थन हरियाणा सरकार का कर रहे हैं, तो बैसाखियां बने हुए। कांग्रेस ने जब आवाज उठाई, कांग्रेस बाहर निकली, हुड्डा जी निकले, मंडियों में पहुंचे और मंडियों में जनाक्रोश इस तरह देखा, धरने दिए, उससे मजबूर होकर सरकार ने जो फसल की खरीद थी उसको एडवांस करना पड़ा। लेकिन जब हम परसों मंडियों में गए तो किसी मंडी में 300 क्विंटल आवक, दो लाख क्विंटल खरीदा गया 300 क्विंटल, किसी मंडी में आवक 10 लाख क्विंटल क्षेत्र में खरीदा गया 1200 क्विंटल। कल करनाल की मंडी जाम थी, सड़कों पर ट्रॉलियां खड़ी थी हजारों की संख्या में, गेट पास कटवाने के लिए, पोर्टल में नाम रजिस्टर कराने के लिए जीटी रोड जितनी लंबी लाइनें लगी हुई, किसान की हैरेसमेंट हो रही है। कांग्रेस ने फैसला किया है हमारी सरकार आएगी, इस पोर्टल को सबसे पहले खत्म करें, इस पोर्टल को खट्टर साहब के साथ ही विदा करते हैं। अरे पहले भी जीरी बिकती थी, आज भी पंजाब में बिक रही है, कोई पोर्टल टोटल नहीं है, पहले रजिस्टर कराओ, लाइनों में खड़े हो, मैसेज आएगा, जिस दिन मैसेज आएगा उस दिन किसान की हैरेसमेंट हो रही है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि देश के किसान विरोधी प्रधानमंत्री जी से ओलंपिक के मेडल की तरह हरियाणा सरकार, जो सबसे ज्यादा किसानों को तंग करने का श्रेय लेना चाहती है, उस मेडल की प्राप्ति के लिए गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं उनको गोल्ड मेडल मिले नीरज चोपड़ा की तरह, कि इन्होंने सबसे ज्यादा किसानों पे डंडा चलाया, ये आदमी ऐसा है जिसने किसानों को लाइन में खड़ा किया, किसानों की जान बुला अपने देसी भाषा में। इन सब बात के अलावा और बहुत मुद्दे हैं, पेपर लीकेज का मुद्दा है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है हरियाणा में, भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है आज के दिन, भ्रष्टाचार का भाव जितना बढ़ा है, कांग्रेस के टाइम में सर क्या भ्रष्टाचार नहीं था? ये सरकार तो ये कहकर आई थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करते, सवाल ये नारा यही था, कहीं भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कहीं चले जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ, आजकल जो ठेके दिए जाते हैं उनकी बात कर लो, सामान्य जनता से बात कर लो। आप छोड़िए, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं, एलिगेशन लगा सकता हूं, लेकिन एक आप सामान्य जनमानस से तहसील के आसपास घूम के, कहीं और घूम के पूछिए क्या परिस्थितियां हैं, आपको पता लग जाए आपकी। तो जो हम एक मिनट में मैं अपनी बात फिनिश करूंगा, तो इन सब मुद्दों को, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, केंद्र की चाहे हरियाणा की, हरियाणा के विधायक दल और उसके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला किया। ये फैसला एक व्यक्ति का नहीं है, सुन लीजिए, पूछेंगे आप प्रश्न पूछ लें, ये फैसला हरियाणा के विधायक दल का 25 सितंबर की मीटिंग में चंडीगढ़ में हुआ था कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया जाए, विपक्ष जाए लोगों के बीच में जाए और पूछे, स्थितियों को भांपे, ताकि संस्थाओं में, विधानसभाओं में आंदोलन की रूपरेखा बने, लोगों का क्या मूड है वो देखने के लिए। तो ये एक विशेष तरीके का कार्यक्रम रहेगा जिसमें कार्यकर्ता बताएंगे, सामान्य जनमानस के विभिन्न प्रभाग विभागों के लोग, वर्गों के लोग अपनी वेदना को विपक्ष के सामने रखेंगे, इसको प्रभावी ढंग से विभिन्न चैनलों पर, जैसे विधानसभा चैनल है या सड़क पर आंदोलन का चैनल हो सकता है, ये सब तरीके से हम उठाएंगे। तो 10 तारीख को, अगले इतवार को, 10 अक्टूबर प्रातः 10 बजे SBS मॉडर्न स्कूल, जो कि करनाल रेस्ट हाउस से सेशन हाउस मार्ग पर, समय
रेलवे रोड और सेशन हाउस के बीच में, वहां पर ये कार्यक्रम होगा। आप सभी वहां पर आमंत्रित भी हैं और हरियाणा की सरकार के खिलाफ जनादेश की शुरुआत, जन आंदोलन की शुरुआत उस दिन वहां से होगी। अब आपने कोई सवाल पूछा, कौन कौन से बड़े नेता?